सो हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल नेपाली रोहित रिएक्सन भिडियोमा। साथीहरू, आज फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको, अलिकति टेन्सनको भिडियो छ। अरू त्यो हाम्रो सुरेश भाइको भिडियो हो, एक घन्टा अगाडि अपलोड गरिसकेको छ त्यो भिडियो, होइन। तर यो भिडियोमा अलिकति प्रब्लम क्रिएट हुँदैछ क्या, डक्टर आलिया र हाम्रो सुरेश भाइको बिचमा अलिकति प्रब्लम क्रिएट हुँदैछ। आई डोन्ट नो वाई, तर प्रब्लम के हो होइन, मैले पनि हेरेँ होइन, जाम भिडियोमा हेरौँ आखिर के प्रब्लम भयो त, किन आलिसा बहिनी रिसाइरहेछन् त हाम्रो सुरेश भाइसँग, होइन। सो यो भिडियोमा हेरौँ, लेकिन जानुभन्दा पहिला साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने छिटो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर अलको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाइदिनु, किनकि यो च्यानलमा लेटेस्ट भिडियो तपाईँलाई मिलिरहेको छ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड भिडियो, रेडी हुन्छ? लेट्स गो। लाइव पे मत शो करो कि आपको कुछ नहीं पता और आप कंफ्यूज हो और आप मासूम हो और आप शाय हो, ओके? लाइव पर ड्रामा नहीं करो, इनोसेंट शो नहीं करो अपने आप। अच्छा, ओके, लाइव पे इनोसेंट शो नहीं करो अपने आप को, सही से रहो, ओके? मजाक नहीं हो रहा है, ड्रामा नहीं करना लाइव पे। आप ऐसी शक्ल बनाओगे, लोग कहेंगे और आप हमारे साथ थे, आपने तभी भी ऐसा मूड रखा हुआ था, हर वीडियो में आपने ऐसा मूड रखा हुआ था कि आप खुश नहीं है हमारे साथ, और आप लाइव पे भी ऐसे रहेंगे कि आप आपके साथ हम गलत कर रहे हैं, तो ये आप भी गलत कर रहे हैं। मेरे साथ आप लोग गलत कर रहे हैं? हमने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। तो किसने कहा गलत किया? आपने रात को लाइव पर, पहले मैं अपनी बात कर लूं, मैं उसको बाद में फोन, मैं बात नहीं करूंगी, आप अपना कर मेरा। आपने रात को लोगों को क्या कहा है? क्या कहा है? रिंग वाली बात पे आपने लोगों को क्या कहा है? रिंग वाली बात पे नेपाली में क्या कहा है, मुझे नहीं समझ आती नेपाली, नेपाली में मैंने क्या कहा? रिंग देना प्रपोजल होता है, एंगेजमेंट का। आगे ये लोग बोल रहे थे रिंग दो 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 दो, अरे रिंग देना मतलब रिंग गिफ्ट नहीं होता है। अच्छा, आगे। और ये एंगेजमेंट का प्रपोजल होता है, वो तो अभी हमने सोचा नहीं है, मैं क्यों दूं अभी, बाद में सोचेंगे तो फिर देंगे, मैंने यही कहा है। आपने क्या सुना? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट लास्ट। आपने ये कहा है कि अगर मैंने दी और उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये बोला है आपने? हाँ, ये भी बोला है। पूरी बात क्यों नहीं बोली अभी? मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका बताएं ना, आपने ये कहा है या नहीं कहा? कहा है, ये कहा है, ये कहा है। कंफ्यूज, मैं तो मजाक में कह रहा था। ये हुआ है, हंस हंस के कह रहा था, तो इसका इतना बड़ा इश्यू क्यों? अरे अगली बात अभी मुझे नहीं करनी। क्या हुआ? आप थोड़ी रिजेक्ट करते हो ये तो सबको पता है ना, ये बोलने की जरूरत थोड़ी है। हेलो यार, ये बात नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं अगली बात करूं या नहीं करूं। बाप रे यार, क्या हुआ क्या है, बोलो ना यार। ये बात तो मैंने ऐसा बोल दिया कि अगर वो रिजेक्ट नहीं करेगी तो, मैं हंस के कह दिया था, रिजेक्ट करेगी तो, और मतलब ये तो सब जानते हैं आप क्या हो, है ना? मैं आपको रिजेक्ट करूंगी, ये आपने बोला है लोगों को ना। मैं ही जो करूंगी मैं करूंगी, रिजेक्ट भी मैं करूंगी, ये सब मैं करूंगी। हाँ, अरे मैं मजाक कर रहा था यार लाइव पे। पहले
किसने क्या बोल दिया? सब रिजेक्ट भी मैं करूंगी, जाऊंगी भी मैं, छोड़ूंगी भी मैं, सब मैं करूंगी, ठीक है? एक मेरी इमेज बन गई है कि जो करना है अब इसने करना है, ठीक है? नहीं, जो करना है इसने करना है, जबकि आपको सब कुछ पता है। ये तो अभी बोल रहे हो ना लाइव पे, रात को क्यों नहीं बोला? ये जोक यार, उसके लिए जोक है, जोक है आपके लिए। इनोसेंट नहीं बनो, नहीं बनो, वैसे बनो जैसे रियल। मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था, इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? अरे किसने किसने इस बात को मतलब बड़ा कर दिया? तुम लोग क्या हो तुम लोग? जोक नहीं, जोक, थोड़ा सीरियस होके, थोड़ा सीरियस होके सब बात करते हैं। मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ यार आप दोनों को, यार कॉल नहीं उठा रहे हो। मैंने ब्लॉक किया हुआ है, उसके अपने इश्यूज हैं, उसने ब्लॉक किया हुआ है। बी थोड़ी देर वो बात करेगी, मैं उधर जा रही हूँ, बोला ना मेरे सामने नहीं कर, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, उसके इश्यूज है, वो आके क्लियर करेगी। एकदम और भी साथ में यूएसए आई है, फैमिली मेंबर मैं अभी दुबई में है, है ना? आई किसके लिए? आपके लिए। ब्लॉक करके लाई स्टॉप कर छु मिस्टर मिस्टर भन्छु, सॉरी आई बी, हैन बी लाई स्पेशली बी ले चाहिँ भेट्न हाम्रो सुरेश भाइलाई आको दुबईमा, यूएईमा उहाँको प्रोग्राम हेर्न, तर उहाँसँग पनि प्रब्लम भयो भन्ने केही छ इशु छ हैन? मैं किसके लिए आई हूँ? आपके लिए आई हूँ, उसके इश्यूज हैं, क्लियर करेगी। मैं थोड़ी मैले यहीँ राखिदिएँ भिडियोलाई, भिडियो त्यही त्यही सेम सिचुएसन पहिला हेरेकोमा अहिले त्यही सिचुएसनमा आउँछ, तर यहाँ थर्ड पार्टीको एन्ट्री भयो जस्तो छ, होइन? यहाँ बिचमा कसैले इन्टरप्ट गर्न खोज्छ दुईजनाको रिलेसनसिपलाई। रिलेसनसिप त मैले भन्दिनँ, किन अहिले भर्खर डक्टर आलियाले भनिसक्नुभयो कि हाम्रो दुईजना केही रिलेसनसिपमा त अहिले फिलहाल त छैन, पछिको कुरा अर्को होला, होइन? तर पनि बिचमा कसैले डिस्टर्बेन्स दिन खोज्छ, कसैले इन्टरप्ट गर्न खोज्छ त्यो चिजलाई, होइन? सो छिटोभन्दा छिटो यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै राम्रो हुन्थ्यो को त्यो मान्छे, होइन? डेफिनेटली डक्टर आलियाले लाइभमा सो गर्दैन, म त्यो भिडियो पनि उहाँसँग छ भन्ने कुरा भयो, त्यो भोइस, होइन? त्यो भोइसलाई दिएर दुईजनाको बिचमा जो पनि डिस्टर्बेन्स छ, जो पनि प्रब्लम छ, त्यसलाई राम्रोले क्लियर गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भने जस्तो लाउँछ कि मलाई, किनकि यिनीहरू दुईजनाको जोडी होइन, दुनियाँलाई एकदम मन पराएको, संसारले मन पराएको, सो अगाडि पनि राम्रै तरिकाले जाओस् भन्ने मलाई हुन्छ कि। अर डक्टर आलिया र हाम्रो सुरेशको बिचको जो पनि प्रब्लम छ छिटो त्यसलाई सुल्झाएर राम्रो एउटा भिडियो बनाएर हालिदिएपछि मैले त्यसलाई रियाक्सन गर्छु, होइन? त्यो भिडियोको लागि मलाई इन्तजार छ क्या। त ठिक छ साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर अलको नोटिफिकेसन बेलका दबाइदिनु, किनकि यो च्यानलमा लेटेस्ट भिडियो तपाईँलाई मिलिरहेको छ। ठिक छ, आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि जय नेपाल।